बहुत समय पहले की बात है, एक लखनपुर नाम के गांव में कपिल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर जाने की जिद करता है। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे पिकनिक पर लेकर चलो, प्लीज मम्मी। अरे बेटा जिद मत करो, हम फिर कभी जाएंगे ना बाद में, अभी मुझे बहुत काम है। अरे अब उसकी बात क्यों नहीं सुनते? बेटा हम इस रविवार को जरूर पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है? थैंक यू मम्मी, आप मान गई, ये अब हम पिकनिक पर चलेंगे। अरे भगवान, क्या तुम भी उसकी हर एक जिद को पूरी कर देती हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत समय से हम कहीं गए नहीं तो इसी बहाने पिकनिक हो आते हैं। चलो बेटा फिर सारी तैयारी कर लेते हैं और रविवार को हम सब पिकनिक पर चलेंगे, है ना? कपिल अपने पिकनिक की सारी तैयारी कर लेता है और कपिल की मम्मी भी रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती है। सब परिवार कपिल गाड़ी में बैठता है और उसके पापा गाड़ी चलाने लगते हैं। कपिल काफी खुश होता है और वह गाड़ी में गाने बजाने लगता है। कपिल को खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा अब तो तुम खुश हो ना? हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। हम कितनी देर में पहुँचेंगे? थोड़ा सब्र करो बेटा, हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। अब ज्यादा बात मत करो, पापा को ध्यान से गाड़ी चलाने दो, ठीक है? कपिल अपनी मम्मी की बात ना सुनके कुछ ना कुछ बातें किए जाता है और यही नहीं वह अपने पापा की गाड़ी के स्टेयरिंग को भी छूने लगता है। कपिल तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करो, कुछ दुर्घटना हो सकती है बेटा। अरे पापा कुछ नहीं होगा ना, आप क्यों डरते हो? मैं तो गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मुझे भी चलाने दीजिए ना। हड़बड़ी में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जब कपिल की आंखें खुलती हैं, तब वह अपनी मम्मी के साथ अस्पताल में बेड पर पड़ा होता है। इस एक्सीडेंट के दौरान कपिल की आवाज चली जाती है और कपिल के पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कपिल की मम्मी की आंखें खुलती हैं, वह सबसे पहले कपिल की ओर जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि कपिल की आवाज जा चुकी है और कपिल के पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी दुनिया लुट गई, मेरे पति भी नहीं रहे और मेरा बच्चा बेजुबान हो गया। अब मैं क्या करूंगी भगवान? कपिल की मम्मी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। वह डॉक्टर से विनती करती है कि वह कपिल का इलाज करके उसकी आवाज लौटा दे। डॉक्टर कहते हैं कि वे एक ऑपरेशन करेंगे, परंतु यह ऑपरेशन 100% सफल होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। कपिल की मम्मी ऐसी मन्नत मांगती है कि अगर कपिल की आवाज लौट आए तो वह जिंदगी भर मौन व्रत रखेगी। डॉक्टर की मेहनत और कपिल की माँ की दुआओं की वजह से कपिल की आवाज लौट आती है और इसी के साथ कपिल की मम्मी अब जिंदगी भर मौन व्रत रखने का फैसला कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कपिल बड़ा होने लगता है, परंतु कपिल और कपिल के माँ के बीच कुछ दूरियां आने लगती हैं। कपिल की माँ बेबस हो जाती है, अपनी मन्नत के कारण वह बोल नहीं पाती और उसका पुत्र ही उससे नफरत करने लगता है। कपिल की माँ ने अपनी मन्नत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। कपिल की माँ अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लग गई, क्योंकि अब कपिल के पिता भी नहीं रहे और कपिल की माँ को ही सारी देखरेख करनी पड़ती थी। कपिल के मन में यह डर बैठ गया था कि उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करती और कपिल काफी अलग तरह से व्यवहार करने लग गया था। हर छोटी बात पर कपिल गुस्सा हो जाता था और अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता था। परंतु कपिल की मम्मी ने कभी अपना सब्र का बांध नहीं तोड़ा और कपिल को भी कुछ नहीं कहा। एक दिन कपिल की माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। रात को अपने कमरे में अकेली लेटी रहती हैं, तभी उनका गला सूखने लगता है, परंतु उनके बदन में ताकत ही नहीं होती। उस क्षण उनके मन में ख्याल आता है कि अब वो अपने कपिल को बुला लें और पानी पी लें, परंतु वो ऐसा नहीं करती क्योंकि कपिल का प्यार और उनकी मन्नत उन्हें यह करने से रोक देती है। जिंदगी भर कपिल की माँ अपना दर्द अपने मन ही में रखा करती थी और उन्होंने कभी कपिल के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। कपिल की माँ को कपिल की नफरत स्वीकार थी,
मगर उन्होंने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। कपिल हमेशा यही सोचता रह जाता कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और कपिल की माँ हमेशा उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने में हमेशा लगी रहती। एक दिन कपिल और कपिल की माँ अपने रिश्तेदार की शादी में जाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भैया, ये लीजिए, इस शुभ अवसर पर आपके लिए मैं एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तोहफे के लिए, परंतु सिर्फ तोहफे से काम नहीं चलेगा। सुनो भैया, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कपिल, तुम्हें याद है ना हम बचपन में कितनी साथ में मस्ती किया करते थे और नाचते कूदते थे? हाँ भैया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जरूर याद है। पर आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने भैया और होने वाले भाभी के लिए एक अच्छा सा डांस कर दो तो हमारा दिल खुश हो जाए। अरे भैया, मैं आपके लिए जरूर डांस करूंगा। कपिल अपने भैया के लिए डांस करने के लिए तैयार हो जाता है और स्टेज पर पहुंचता है। स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा झूमर लटका हुआ था। कपिल की माँ दूर से देखती है और खुश हो जाती है कि उसका बेटा अब नाचने वाला है। इतने में कपिल की माँ की नज़र उस झूमर पर पड़ती है और उन्हें एहसास होता है कि झूमर गिरने वाला है। उसी क्षण वो कपिल को जोर से आवाज देकर बुलाती हैं और उसे वहीं रोक देती हैं। कपिल, तुरंत नीचे उतरो। कपिल और सारे लोग काफी सन रह जाते हैं और उन्हें यह नहीं मालूम होता कि कपिल की माँ ने मौन व्रत रखा हुआ था। कपिल झट से नीचे उतरता है। उसी क्षण उसी स्थान पर झूमर गिर जाता है जहाँ कपिल खड़ा हुआ था। कपिल की माँ कपिल के पास दौड़ कर जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। सबको ऐसा लगता है कि कपिल की माँ की आवाज लौट आई है। माँ, माँ, आपकी आवाज लौट आई, आप बोल सकती हैं माँ? मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, मेरी आवाज कभी गई ही नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हारी आवाज लौट आती है तो मैं जिंदगी भर बेजुबान रहूंगी, परंतु आज तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर मुझे बोलना ही पड़ा बेटा। यह जानते ही कपिल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वहां मौजूद हर एक इंसान को माँ की ममता का एहसास हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक कपिल की माँ को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें कितनी बार बोलने की जरूरत पड़ी, फिर भी उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। परंतु जब उनके बच्चे की बात आई, तब उन्होंने उसी बच्चे के लिए अपनी मन्नत छोड़कर बोल दिया और अपने बच्चे की जान बचा ली। माँ, मैंने गलतफहमी में आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, कितनी बार आपको बुरा भला कहा तो भी आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? बेटा, जब बात औलाद पर आ जाती है ना, तब कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े की खातिर कोई भी वचन तोड़ सकती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, मैं शर्मिंदा हूँ माँ, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। इसी के साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और कपिल अपनी माँ के साथ प्यार से रहने लगता है। वहाँ मौजूद सारे लोग भी माँ का दर्द समझते हैं और सब कपिल की माँ की सराहना करते हैं।